के लोग जो ट्रक्टर नहीं है आज सुबह दिल्ली के सभी लाइन इलाके में बता दें कि मेरे को बहुत गुजरात क्या हुआ बता अभी आऊँ मैं सुनते वारदात मेरी दिल्ली गुजराती समाज के गेट के बाहर ही हुई और वहाँ मुझे ऑटो में बैठी थी और दो स्नेचर्स आके मेरी मेरा पर्स स्नेच करके ले गए जिसमें मेरे दो मोबाइल से डॉक्यूमेंट्स से कैश ऑन हैंड था सब गया। किस टाइम की वारदात? मॉर्निंग 6:45 टू 7 o'clock के बीच की वारदात है। जिस तरह से दिल्ली का काफी ये सुरक्षित एरिया माना जाता है, वीआईपी एरिया है, जब ऐसे लोगों के इलाके में ऐसे लोगों के साथ घटना होती है तो आम लोग कितने सुरक्षित होंगे? सर पहले तो ये बता दें कि गुजराती समाज में आने वाले सब वीवीआईपी नहीं होते, वो तो लकीली आप सबको आप सबके थ्रू पता चला पुलिस को भी कि आई एम अ वीवीआईपी पर्सन के रिलेटेड है, अदरवाइज वी आर आल्सो नॉर्मल पर्सन और हम भी नॉर्मल पर्सन के हिसाब से ही गुजराती समाज में स्टे करने के लिए आए थे, वीवीआईपी के हिसाब से नहीं आए थे। आपने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस अपने हिसाब से अलर्ट है और सारे कार्रवाई कर रही है, पुलिस भी हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। मैम जो स्नेचर थे वो बाइक पर थे या कार में थे? कुछ स्कूटर पे थे। हाँ, दो स्नेचर्स थे और स्कूटर पे थे। फेस वगैरह देख पाए ना या रुमाल लगा? सब फेस वगैरह नहीं, हमने तो सिर्फ बैक से देखा, फेस देख पाते तो पूरा उसका डायग्राम बना के दे देते कि ऐसा दिखता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बाहर के रोड पे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास है तो पुलिस उसी के थ्रू अभी ट्रेस करने की कोशिश कर रही है।